गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं गणेश क्लास। अब जब एग्रीमेंट का आज हमारा सेकंड क्लास है, तो जो जो पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़िए, डाउट होगा उसके ऊपर हम डाउट क्लियरिंग क्लास भी करेंगे। तो जो जो रूल लिखा जा रहा है पहले हम समझते हैं, उस रूल को पहले अप्लाई करते हैं। लिख लीजिए सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, तो समझ लिए ना। जो जो भाई रूल लिखा गया वो तो हमारा सेकंड क्लास है, तो पहले क्लास में जो दो दो रूल लिखा गया ये पहले समझिए, डाउट होगा उसके ऊपर फिर क्लास करेंगे। तो आज हम नया कुछ रूल्स पढ़ते हैं ना। तो आज हमारा फोर नंबर का रूल्स है, आज का फर्स्ट रूल है, लेकिन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का ये फोर नंबर का रूल्स है ना। तो क्या होगा, पहले देगा सब्जेक्ट, ध्यान देना, सब्जेक्ट के दोनों सब्जेक्ट के बीच में कुछ वर्ड्स रहेगा, ध्यान देना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कुछ वर्ड होगा, ये वर्ड ही डिटरमिन करेगा सेंटेंस किस हिसाब से फ्रेम किया जाएगा। हाँ, तो सोच लिए यहाँ पे हुई है, हुई अलोंग विथ, पूरा दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, रटना नहीं है, समझना है, हुई अलोंग विथ, टुगेदर विथ, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, आपको ऐसे से रिकॉग्नाइज हो जाएगा ना, विद अलोंग विद टुगेदर विद इन एडिशन टू एंड नॉट। और भी कुछ वर्ड्स है मैं यहाँ लिखा देता हूँ, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया, हाँ ये वर्ड जगह नहीं होगा, मैं यहाँ लिखा देता हूँ, एंड नॉट, नो, लेस देन, याद है ना, नो लेस देन, हाँ, तो ये जो चीज, ये सब अगर वर्ड सेंटेंस में आ जाता है, याद है ना, दोनों सब्जेक्ट के बीच में ये सब अगर वर्ड आ जाता है तो यूज करेंगे किस हिसाब से सेंटेंस में वर्ब, क्योंकि हमारा काम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहले से पढ़े तो सब्जेक्ट जो बनेगा वर्ब भी वही बनेगा, तो यह क्या एग्रीमेंट होगा ना। तो ये अगर वर्ड आ जाता है और दोनों सब्जेक्ट रहेगा ना, तो एग्रीमेंट कैसे होगा, मोर एक तो खुद के साथ एग्रीमेंट कर नहीं सकता, दोनों ही तो चाहिए। तो ये सब अगर वर्ड आ जाता है दोनों सब्जेक्ट के बीच में, तो जो सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे, मतलब जो फॉर्म हम यूज करेंगे, जो एग्रीमेंट करेंगे, ये कोई हिसाब से करेंगे, खास सब्जेक्ट के हिसाब से, ध्यान देना। तो अगर ये सब वर्ड सेंटेंस में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख रहते हैं ना, वी आर टू यूज और अकॉर्डिंग टू द अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, बीच में विद हो, अलोंग विद हो, इन एडिशन टू हो, नो लेस देन हो, हाँ नो लेस देन भी आता है, एंड नॉट भी आ सकता है, टुगेदर विद भी आ सकता है, इन एडिशन टू भी आ सकता है, हाँ, और एक वर्ड है एज वेल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एज वेल एस ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में एज वेल एस का बोल जाता है, मैं कौन सी चीज भूल गया सोच रहा था ना। तो एज वेल एज, नो लेस देन, अलोंग विद, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, अगर आ जाता है तो हम जो वर्ब यूज करेंगे ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर ये वर्ड आया तो सेकंड सब्जेक्ट कोई औकात ही नहीं है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ध्यान देना, फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, क्लियर, क्या बोला समझ में आया, ध्यान देना, जो सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, सॉरी जो वर्ब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो जैसे वी आर टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा हो गया सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर हो गया सिंगुलर तो वर्ब भी हो जाएगा सिंगुलर, ये कौन सी सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट का ध्यान देगा, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल
तो भार भी हो जाएगा पूरा। क्लियर, समझ में आया? ध्यान देना, अगर सेंटेंस में अलग विद है, विद है, टुगेदर विद है, इन एडिशन टू है, एज वेल एज है, तो हाँ नो लेस देन है एंड नॉट है, तो जो भी फर्स्ट सब्जेक्ट में होगा वही हिसाब से हम भार को चेंज करेंगे। अगर भार में चेंज होगा सिंगुलर भार होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है सिंगुलर भार होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होता है प्लूरल भार होगा। क्लियर, पहले रूल को लिख लीजिए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी वर्ड आना है, क्लियर, दिमाग में प्रिंट कर लेना, दिमाग में यही प्रिंट करना, इन एडिशन टू है क्या, अलोंग विद है क्या, विद है क्या, एंड नॉट है क्या, नो लेस देन है क्या, एज वेल एज है क्या, वो होने के बावजूद या वो होने के बाद अगर सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भाव सिंगुलर होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो भाव प्लूरल होगा। क्लियर, ये वर्ड को समझ में आएगा तो दिमाग में रहेगा, एक बार दो बार तीन बार पढ़ने के बाद दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। गणपति बाप्पा है ना, ध्यान से पढ़ेंगे, ये रहेगा ये लाइन ना, तो एक बार आप ट्राई करते हैं, जो रूल लिखे ये रूल दिखते हैं काम आता है कि नहीं। अच्छा ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिए, तो क्या बोला समझ में आया ना, पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद ये वर्ड लिख लेना, उसके बाद ये सब्जेक्ट लिख लेना। क्लियर, उसके बाद क्या करेंगे आप, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हमको भाव यूज करना है, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भाव सिंगुलर, पहला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भाव प्लूरल। क्लियर, जो जो बोला ऐसे लिखिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जब पढ़ेंगे ये दिमाग में प्रिंट करेंगे। हाँ बुक की वर्ड काम नहीं करता है ना, टाइम को देख के 6 मिनट हो गया, हाँ धीरे धीरे टाइम के साथ चलना है, हर बार एग्जाम यही तो करेगा। We are to use for according to the first subject. ये लिखा है, तो इसका मतलब समझ में आया ना? According to the first है, first subject अगर singular होगा, तो भार होगा singular. अगर ये subject plural होगा, तो भार हो जाएगा plural. Okay? Definitely. We होगा तो R होगा, I होगा तो M होगा, ये तो है, ना? तो I है कि we, ये तो समझना है हमको, ना? सिंगुलर की प्लूरल है, आई है तो आई लिखेंगे या वाज लिखेंगे, वी है तो वाज भी करते हैं, वेल भी कर सकते हैं, वी में थोड़ी ना वाज होगा, हो ही नहीं सकता, ये तो ध्यान देना है। हाँ ओके ठीक है, क्वेश्चन एक दोनों करते हैं, क्वेश्चन अगर एक दोनों कर लेंगे तो लाइनों में आएंगे, हाँ अच्छे से अगर नहीं रखेंगे तो चैन गिर जाएगा ना, इसीलिए ध्यान देंगे। बिल्कुल नहीं, ना छुट्टी नहीं होगा, जब छुट्टी होगा फिर पढ़ेंगे, ऐसा क्या है ना, लेकिन जो जो पढ़ा जा रहा है पढ़ते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, टाइम मिलते ही मैं क्लास खोलूंगा, ऐसा नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा क्लास करना है, एग्जाम है, मेरा भी है, बट क्या करें, कॉलेज को भी जाना है, कॉलेज में भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी डिपेंडेंट है ना, वहाँ भी दिखना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, माय ब्रदर एज वेल एज, याद है ना, माय ब्रदर एज वेल एज माय सिस्टर, माय ब्रदर एज वेल एज माय सिस्टर इज गोइंग on picnic with my friends, बस ये क्वेश्चन से है ना, ध्यान देना, तो माय ब्रदर एज वेल एज माय सिस्टर है, माय ब्रदर एज वेल एज माय सिस्टर इज गोइंग ऑन पिकनिक विद माय फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट और भाव दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो अगर सब्जेक्ट बोल रहा मैं कर रहा हूँ तो बहुत भी बोलेगा मैं भी तेरे साथ ही करूँगा, यही है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का मेन डिफिनेशन, यही है ना,
तो ये बोला माय ब्रदर, हाँ माय ब्रदर एज वेल एज माय सिस्टर ही गोइंग, हाँ यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं माय ब्रदर कर देते हैं, हाँ ये तो हमारे हाथ में, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हम कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम के हिसाब से हमको जाना है, हाँ तो माय ब्रदर एज वेल एज माय सिस्टर इज गोइंग ऑन पिकनिक विद माय फ्रेंड्स, ओके तो ये क्या बोल रहा है, तो ध्यान देना हर बार, तो यहाँ पे जो एज वेल एज लग गया, अगर एज वेल एज आ गया दोनों के साथ, यहाँ पे माय ब्रदर भी सब्जेक्ट है माय सिस्टर भी है, तो यहाँ पे ये माय सिस्टर कोई मैंने नहीं लगता, कोई औकात ही नहीं है, तो यहाँ पे औकात इसका है, क्यों, क्योंकि ये एज वेल एज है, एज वेल एज हर बार उसके बाद जो रहता है सब्जेक्ट, मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल होता है, वर्ब अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल, अगर सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर तो वर्ब होगा सिंगुलर, बट ये तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर होना चाहिए, बट एज वेल एज फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है, क्लियर, क्या लिखेंगे, माय ब्रदर्स एज वेल एज माय सिस्टर इज़ ईज होता, अगर ब्रदर होता तो ब्रदर सा ना मेरे भाइयों, हाँ तो ब्रदर सार गोइंग ऑन पिकनिक, क्लियर, और एक नंबर करते हैं, हाँ ओके, तो कहाँ पे डाउट हुआ, क्लियर, ठीक है एक बार लिख लीजिए, टाइम के साथ देखिए 11 मिनट्स हो गया, देखिए हाँ टाइम के साथ जाना, हम एक ही नंबर कर रहे हैं और एक रूल पढ़ेंगे सोच रहे हैं, हाँ तो निकालना है हमको, क्लियर, एग्जाम में कल कर पाएंगे पूरा कब, हाँ इतना ही चाहिए, सस्मिता मैम एम टू बी, ये
टू बी ब्लेम स्पोकन इंग्लिश में कभी नहीं बोला जाता ना, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है ना, सुनना भी गलत लग रहा है ना ये, लेकिन ग्रामर में सही है ये। आई नो दैट सस्मिता मैम एम टू बी नेम फॉर दिस बैड वर्ड। ओके, ध्यान, छोटा सा चीज हाँ कि बड़ा चीज है बोली, ये क्वेश्चन हो गया सेकंड, क्या आंसर बना दे जस्टिफाई की, तो कैसे आंसर बना जा रहा, क्लियर? ओके, टाइम के साथ टाइम हमारा हो गया 15 और एक रूल पढ़ेंगे, तो क्लियर हो गया। ये हो गया फर्स्ट रूल का वर्ब, माने फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हम जा रहे हैं, सिंगुलर अगर फर्स्ट वर्ब तो हम फर्स्ट सिंगुलर कर रहे हैं, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो बाद में प्लूरल। ओके, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। अब एक जो रूल पढ़ेंगे ये लेकिन सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, ये जैसे सेकंड सब्जेक्ट को एवर्ट किया मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं करता है, लेकिन ये क्या करेगा, अब जो हम रूल पढ़ेंगे ये सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, फर्स्ट में कोई मतलब ही नहीं है उसका। ओके, देखो हाँ बहुत सारा रूल है, पढ़ना है, जैसे नहीं पढ़ेंगे तो काम भी नहीं आएगा ना, अच्छे से पढ़िए, जो जो पढ़ा जा रहा है डाउट होगा उसके ऊपर हम क्लास फाइनली करेंगे, प्रैक्टिस आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, हम भी प्रैक्टिस क्लास भी करेंगे ये सब खत्म होने के बाद, है ना। जैसे सोच लीजिए यहाँ पे कुछ मार दिया, जैसे सोच लीजिए इधर हाँ, उसके बाद हो गया सब्जेक्ट हाँ, उसके बाद हो गया और, उसके बाद फिर सब्जेक्ट हाँ, ये एक रूल है हाँ, ऐसा हमारा नीदर का भी आया हाँ, नीदर प्लस सब्जेक्ट प्लस केस इधर का और वहां नीदर का ना होगा ना सब्जेक्ट हाँ, ध्यान देना। और एक आ जाता है हमारा क्या, नॉट ओनली सब्जेक्ट बट, और फिर सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, एग्रीमेंट कैसे करेंगे, दो तो चाहिए ना, दो चाहिए तो जाके एग्रीमेंट होगा ना, दो मार्कर होना चाहिए तो जाके झगड़ा करा होगा ना, तो होगा कैसे, बट यहाँ पे झगड़ा नहीं हो रहा है, ये एग्रीमेंट हो रहा है हाँ, तो आयदर सब्जेक्ट ऑफ हाँ, आयदर सब्जेक्ट ऑफ मैंने आयदर और दोनों शब्द मिलकर रहेगा इतना ही ना, नायदर सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट सेकेंड रूल हाँ, नॉट ओनली सब्जेक्ट बट ऑल्सो सब्जेक्ट, क्लियर? ओके, ध्यान देना इतना, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जैसे हम कर रहे थे एज वेल माने उसके बाद हमारा एडिशन टू टुगेदर विद में फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से चलते थे, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, अब हम चले जाएंगे सेकंड सब्जेक्ट हाँ, तो अगर आयदर आर है नीदर न रहे या नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो ये सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से हमको सेंटेंस को फ्रेम करना पड़ेगा, यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट कोई औकात ही नहीं है, और रूल में सेकंड सब्जेक्ट का कोई औकात नहीं, लेकिन ये रूल में सेकंड सब्जेक्ट का ही औकात है, फर्स्ट सब्जेक्ट का ही औकात नहीं है, समझ पाए यार, क्लियर? ध्यान देना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, कौन सा सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट हाँ, सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हो जाएगा सिंगुलर। ओके, ये रूल यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा, वही सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो भार भी हो जाएगा पूरा, ये भी वही रूल अप्लाई करेगा, तीनों में वही रूल है, नॉट ओनली बट ऑल्सो रादर और, अगर सब्जेक्ट का साथ आते हैं तो हम सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से ही सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भार होगा सिंगुलर, सेकंड सब्जेक्ट का प्लूरल है तो भार हो जाएगा पूरा, अंडरस्टूड? डाउट नहीं, रूल लिख लीजिए, टाइम के साथ 17 मिनट्स हो गया, डेफिनेटली एक ही तो नंबर क्वेश्चन कर ही लेंगे हां, डेफिनेटली कोरिलेटिव कंजक्शन में भी ऐसा कुछ पढ़ेंगे जब कंजक्शन का क्लास करेंगे, है ना, प्रोनाउन का भी कुछ कुछ कह रहे थे याद कीजिए ना, क्लियर? तो नॉर्मली बना दो आयदर नायदर हाँ, अकेला आयदर का भी हम रूल है पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे हाँ, नहीं आज टाइम के साथ जाना है, टाइम मिलेगा तो सब कुछ पढ़ेंगे हाँ,
ऐसे पढ़ने के तो टाइम को नहीं दिख गया, हम एग्जाम में कैसे करेंगे? नहीं होगा ना, क्योंकि एग्जाम तो कुछ लिमिटेशन रखेगा, ये भी ध्यान देना है। जैसे हाँ, यहाँ का आज का 3 नंबर है, नॉट ऑनली, नॉट ऑनली बोथ ऑफ माय सिस्टर बट ऑल्सो दे आर ओनली फ्रेंड। याद है ना, नॉट ओनली बोथ ऑफ माई सिस्टर बट दे आर ओनली फ्रेंड हैव कम हियर। नहीं याद है, छोटा सा चीज ना, नॉट ओनली बोथ ऑफ माई सिस्टर बट ऑल्सो, बट ऑल्सो दे आर ओनली फ्रेंड हैव कम हियर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे सेकंड सब्जेक्ट, यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट क्या है? हाँ, नॉट ओनली बोथ ऑफ माय फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट ना, दे आर ओनली फ्रेंड माने एक ही फ्रेंड, उनका एक ही जो दोस्त है, याद है, एक ही दोस्त, दोनों का दोस्त एक है, डेफिनेटली मतलब दोनों दो, मतलब दोनों सिस्टर के, सिर्फ दोनों सिस्टर नहीं आए हैं, उनका सिर्फ एक ही दोस्त आया है, समझ में आ रहा है? ध्यान है, नॉट ओनली बोथ ऑफ माय सिस्टर बट ऑल्सो दे आर ओनली फ्रेंड। तो ये ओनली फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल है, ये ध्यान देना, ओनली फ्रेंड सिंगुलर है या ना, यस, ये ध्यान देना। तो क्या होगा, ये हैव गलत हो गया, ये हो जाएगा हैज, नॉट ओनली बोथ ऑफ माय सिस्टर बट ऑल्सो दे आर ओनली फ्रेंड हैज कम हियर। अंडरस्टूड? और एक नंबर का समझ में आएगी नहीं, फोर नंबर, आइदर प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मिनिस्टर हैज गिवन प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मिनिस्टर गिवन देयर अप्रूवल। तो यहाँ पे दिखते हैं वही सिस्टम है यहाँ पे, है ना, तो आइदर द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मिनिस्टर हैज गिवन देयर अप्रूवल। ये सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, मतलब एरर है कि नहीं दिखते हैं पहले ना, पहले दिखते हैं आइदर के पास सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर और भी है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर भी है। तो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर तो एक